मुझे लग जाना इसमें कैमरे से अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राउस को ये पता था कि यहाँ पानी भरता है, उनको पता है कि उनके पास लाइब्रेरी है नीचे, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि पहले ही वो लाइब्रेरी बंद कर दी जाए। पुलिस कल आने में इतना देर कर दी, पुलिस आने के बाद भी हमें अभी तक बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। सर जहाँ कल जितने बच्चे यहाँ से हैं, शाम से हम यहाँ पे हैं, हम बता सकते हैं कि 7 से ज्यादा एम्बुलेंसेस गई। आप सोच सकते हैं उस माँ बाप के लिए कैसा लगता होगा उसको, आज यहाँ 2,00,000 रुपए खर्च करके कैसे माँ बाप भेजते हैं। मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भेजा, तो मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उसके बाद यहाँ ऐसी मौत हो जाती है और दिल्ली प्रशासन कुछ नहीं करता है। और जो कोचिंग माफिया है वो निरंतर ये काम करते हैं। जो बुक्स अंदर रखी हुई है वो शॉर्ट सर्किट से तुरंत जलेंगे, वो उसे फायर एकदम से पकड़ेंगे। अगर वो फायर पकड़ना है इंसान ना स्टूडेंट कोई भी एक्सट्रीम नहीं सोचता कि डूब जाएंगे, तो अपना बुक कलेक्ट करने ही सोचता है कि आईपैड ले ले बुक ले ले। इतने में एक ही एग्जिट गेट है और ये नई बिल्डिंग बनी है, इसमें भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये तो अभी 2 साल में आएंगे, 7 महीने, 7 से 8 महीने पुरानी बिल्डिंग है। मतलब इसमें 2 साल करीब हो गए बनते। आपने एक लाइब्रेरी पुरानी लाइब्रेरी आप विजिट करके देखो, ये 2 महीने पहले कुछ फायर एग्जिट इसमें गेट नहीं है। अगर 7 से 8 महीने पुरानी में तो आप पुरानी बिल्डिंग का हाल देख सकते हैं। लोगों का क्या गलती है सर, हम लोग तो यहाँ पढ़ने आते हैं, जान गवाने थोड़ी आते हैं सर। लाइब्रेरी और ऐसा नहीं है, ये कोचिंग की बात है, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग में लाइब्रेरी का कोई भी गाइडलाइन अगर आता है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। 2 एग्जिट का गाइडलाइन है, नहीं फॉलो किया गया। पिछले साल मुखर्जी नगर में घटना हुई थी, उसके बाद उस मैटर को दबा दिया गया। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस जो कोचिंग सेंटर था, वहाँ पर बेसमेंट में जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर पानी भर गया और स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स की डेथ भी हो गई है। और अभी कल रात से ही कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली होना चाहिए। और कोचिंग माफिया हो या फिर एमसीडीबी की बहुत कहीं ना कहीं गलती है। सो चलिए देखते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उनके क्या ओपिनियन है। पहले तो अपना नाम बताओ, कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? सर मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे, मैं कोरोना टाइम से यहीं पे हूँ, ठीक है। और मतलब कि 4 साल में ऐसा मतलब कि पहली बार सुनने को आ रहा है, क्योंकि सर देखिए बरसात तो हर साल होती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम जो सीवर से इतने सेकंड में इतना पानी निकल के अचानक चले जाना, अब इसके पीछे आप किस किस की गलती कहेंगे? मुझे मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, एक MCD जिन्होंने सही से सीवर का सिस्टम बहुत ख़राब है, कहीं बच्चे करंट से मर जा रहे हैं, कहीं पे बच्चे डूब के मर जा रहे हैं। दूसरा कोचिंग का यहाँ पे दिल्ली में ये लिख है बाजारीकरण जो किया गया है जी, दिल्ली में ये है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी होनी नहीं चाहिए, ये नियम है हर जगह। अब बेसमेंट में लाइब्रेरी होने की वजह से आप जनरली देखिएगा कहीं पे भी जाके बेसमेंट में लाइब्रेरी है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक मीटर्स में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा है ना, तो उसके बाद क्या है कि तुम आने का रास्ता तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स गेट लगे हुए हैं सबके। अगर तुम्हारा आने का रास्ता ब्लॉक होगा तो तुम आ नहीं पाओगे। और जो बुक्स अंदर रखी हुई है वो शॉर्ट सर्किट से तुरंत जलेंगे, वो उसे फायर एकदम से पकड़ेंगे। अगर वो फायर पकड़ना है इंसान ना स्टूडेंट कोई भी एक्सट्रीम नहीं सोचता कि डूब जाएंगे, तो अपना बुक कलेक्ट करने ही सोचता है कि आईपैड ले ले बुक ले ले। इतने में एक ही एग्जिट गेट है और ये नई बिल्डिंग बनी है, इसमें भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। बिल्कुल, ये तो अभी 2 साल में मिलेंगे, 7 महीने, 7 से 8 महीने पुरानी बिल्डिंग है। मतलब इसमें 2 साल करीब हो गए बनते। आपने एक लाइब्रेरी पुरानी लाइब्रेरी आप विजिट करके देखो, ये 2 महीने पहले कुछ फायर एग्जिट इसमें गेट नहीं है। अगर 7 से 8 महीने पुरानी में तो आप पुरानी बिल्डिंग का हाल देख सकते हैं जी, क्या हाल है। मैं लाइब्रेरी में अधिकतर बिल्डिंग ऐसी ही है, मैं एक लाइब्रेरी में बताऊँ। और यहाँ क्या ना, एक बात और मैं आपको बताऊँ,
यहाँ पे रूम रेंट इतना महंगा है कि कोई इंसान अफोर्ड कर नहीं सकता, उसे लाइब्रेरी लगानी ही पड़ेगी। दो दो तीन में लेना पड़ता है, दो दो तीन तीन रूम लोग रूम में रह रहे हैं तो फिर सारे जो है लाइब्रेरी लगाते हैं। आप सिंगल वन ऐसे चैनल हो जिसमें भरोसा है कि आप स्टूडेंट हो, है ना, रूम पे तो चलाओगे, रूम पे कोई भी चलाओगे, जो भी चलेगा, जो हम बोलेंगे वो चलाओगे, बाकी सब एडिट करेंगे, क्रॉप करेंगे। बट आप अकेले ऐसे चैनल हो जो स्टूडेंट हो जो हमारी यूपीएससी की बात को शेयर करेंगे। रूम जो हम आते हैं ना कोचिंग वाले, हम लोगों को ये पहले चाय पिलाएंगे, फिर जूस पिलाएंगे, भैया को बताया एक बार फीस पे हमने कर देना, नेक्स्ट स्टार्ट होता है। मैं यहाँ उतरूंगा करोल बाग में, वहाँ डीलर मिलेगा मुझे। हाँ। मैं उससे पहले क्या जाऊंगा, मैं जाऊंगा कोचिंग माफिया के पास, कोचिंग माफिया 2,50,000 रुपए मेरे से लेगा, मैं बाहर आऊंगा मेरे को डीलर खड़ा मिलेगा, डीलर माफिया मेरे से 30 दिन का रेंट लेगा, 30 दिन का रेंट का जो मेरे ब्रोकरेज लेगा, मैं रूम लूंगा 20,000 रुपए का, मैं लाइब्रेरी लगाऊंगा 3,000 रुपए की। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है मिनिमम 40,000 है, और वो भी तुम लग्जरी में नहीं रह रहे, बेसिक मिनिमम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है 40,000 खर्च करने के बाद। जी जी जी, जिस स्टेट से आते हैं जितने हमारे रूम्स का मतलब घरों में वॉशरूम्स होते हैं ना, उतने कमरों का हम 20,000-20,000 रुपए किराया दे रहे हैं, 10-10 लोग रह रहे हैं और वॉशरूम एक सब शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर छत गीली हो जाए ना, दिक्कत सबसे बड़ी है कि 7 से 8 दिन पहले यही इंसिडेंट हुआ था, गाड़ियां तैर रही थी और बिल्कुल पुलिस की गाड़ी भी तैर रही थी, देखा गया था, सबने कंप्लेन किया था, इवन कुछ कुछ कोचिंग्स ने भी कंप्लेन की थी कि एमसीडी आप ड्रेनेज सिस्टम ठीक कीजिए। बट इसके पहले भी होता है, 200 करोड़ में कोई कोचिंग अपनी बिल्डिंग बनाएगी 1 करोड़ के रोड के आगे ऊंचा नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है, 50 लाख भी नहीं लगेंगे रोड के आगे, अगर मैं ऊंचा करूंगा अपनी बिल्डिंग के आगे 50 लाख रुपए नहीं लगेंगे, मेरे फ्लोर ऊपर ही बन जाता तो नहीं चला, ऊपर नहीं मिलाना मेरे को अपने रोड के आगे, गेट में दीवार खड़ी कर दूंगा, 50 लाख रुपए नहीं लगेंगे। 200 करोड़ की तुम बिल्डिंग बनाओगे, शीशा लगाओगे, तुम 20 करोड़ का अपना अपने रिवेन्यू में से कुछ बच्चों के लिए कर दो, नहीं करोगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं वैसे? दिल्ली ये चाहते हैं, दिल्ली ये एरिया हमारी वजह से चल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट है, हम पैसा पे करते हैं 20,000-30,000-40,000-50,000 का महीना, तब आपकी दिल्ली की इकॉनमी चल रही, आप हमें बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पा रहे, ये क्या देख रहे हैं, एक लड़का भी बेसिक समस्या क्या है, क्यों करेंट है, ऐसी चीजें आप हम लोग को दे नहीं पा रहे, बारिश से पानी आ रहा है ठीक है वो हमें मतलब फ्लड कर देगा, दूसरा उसके बाद अगर पानी बंद होगा, बारिश बंद होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर है जो हमारी स्टेट्स पे लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं अगर इलेक्ट्रिक मीटर में शॉर्ट सर्किट होगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मुखर्जी नगर में यही हुआ था पिछली बार जब आग लगी थी, बच्चे यहाँ मैं तो मैं रह रहा हूँ 15,000 रुपए दे रहा हूँ रेंट का, रूम का बहुत छोटा रूम है ठीक है, उसमें मेरे स्टेट्स पे 8 मीटर लगे हुए हैं, 8 मीटर में अगर 2 में भी आग लगती सब में चलेगा, मेरे रूम में बुक्स रखी है, मेरी बुक्स चलेंगी, मेरे जो रूम जो ऑनर है उसने मेरी छत का गेट बंद कर रखा ताला लगा के, क्योंकि छत में बच्चे ना बच्चे जाना जाए, कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ भागूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो फर्स्ट फ्लोर से कूदूंगा मैं मर जाऊंगा, मैं अगर वहाँ भागूंगा आगे मैं मर जाऊंगा, मैं तो मरना है। हमारी प्रॉपर डिमांड सुनिए, हमारी डिमांड से हर लाइब्रेरी में एक एग्जिट और एक एंट्री, हमें 2 एंट्री 2 एग्जिट चाहिए, क्योंकि सारी लाइब्रेरी सारी लाइब्रेरी बेसमेंट के नीचे है, हमारे लिए 2 एंट्री। आप तो कल भी आओगे, आप तो परसों भी आओगे, आप इधर ही रहते हो, आपको सारी लाइब्रेरी कभी भी आओगे, आप एक लाइब्रेरी आप विजिट कर लो, आप एक आपको खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। आप सर पटेल नगर में किसी लाइब्रेरी में पटेल नगर नहीं बोल रहा था मैं, ना साथी पटेल वेंडर से पूछ रहा हूं, फ्रूट वेंडर से बात करेंगे ना, वो खुद को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझता है यहां का फ्रूट वेंडर, इतनी बदतमीजी से बात करेंगे ओनर के, यहां पे लोकल का ज्यादा ही बोल रहा हूं आपको। यहाँ मैंने रूम आके लिया, मैं नया बंदा आया, मैंने 4 महीने के लिए रूम ले लिया, उसने मुझे खाली करा दिया कि तूने रूम की दीवार गंदी कर दी, तू मेरा रूम खाली कर दे, क्यों? क्योंकि उसे फिर 1 महीने का रूम, यहाँ पे कुल मिला के ओनर का बहुत ज्यादा दबाव है, शोषण करते हैं कुल मिला के ओनर का, हमारे ऊपर के 5 बच्चे चले गए, और मैं बताता हूँ उसके बाद हम 2,50,000 फीस दे रहे हैं अपने टीचर्स को, दिल्ली एक भी टीचर्स दिखा दो मेरे को, कोई टीचर्स नहीं आया अभी तक, कोई टीचर्स नहीं आया, बड़े बड़े टीचर्स है, एक भी टीचर यहाँ नहीं आया, देयर इज नो टीचर, उसपे जो वो जो रोमांटिसाइज करेंगे टीचर यूपीएससी को कि दे आर लाइक यार 12th फेल करके तुम आ गए इधर, रोमांटिसाइज इज लाइक ऐसे मतलब एनीथिंग है ना, कर दिया बहुत ज्यादा, तुम आओ इधर तुम यूपीएससी बनोगे, तुम गांव से आओगे तुमने 50% नंबर लिए तुम यूपीएससी निकालोगे, तुम्हारे लिए सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तजुर्बा किसी को नहीं मिल रहा, तजुर्बा सब दे रहे हैं क्या होगा कुछ नहीं मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा किसी को तजुर्बा नहीं मिल रहा, क्या करेंगे वी केम दिल्ली फॉर स्टडिंग, और ये पैन इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ, यहाँ रात को ना 12 बजे यहाँ पे कार ऐसे दौड़ती है 120 की स्पीड पे,
और एक स्टूडेंट भी सामने आ गया था, वो गिर गया। लोकल लोगों के होते हैं, वो दारू पी के आते हैं यहाँ पे और खूब तेज दौड़ाते हैं, कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं भैया कि ये तो इतना पैसे देने के बाद भी हम लोग को सिक्योरिटी गल से पूछो किसी है आपसे कोई ना कोई झंझट करके आपको रूम खाली करा देगा, क्योंकि अगले साल दूसरे स्टूडेंट के अगले साल उसी टाइम पे उसे पहले बुकिंग हो जाती है फिर होता है एक महीने के बाद। यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो भी ओनर से मिले हुए हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि जो दिल्ली सरकार है वो निरंतर किसी भी विषय पे काम नहीं कर रही है। आप अगर आज देखें तो आज राव आईएएस में होगा, कल दूसरी कोचिंग से होगा, खुद सिविल से, आज जब आप देखते हैं कि ये बताते हैं कि तीन बच्चे की मौत हुई है, पर सच तो यह है कि सिर्फ तीन बच्चों की मौत नहीं हुई है। आप एक बार उनके माता पिता से पूछिए जो उनको इतनी दूर पढ़ाने भेजते हैं, और फिर जब उनका बच्चा सिलेक्ट होके नहीं आता उसकी लाश घर पे आती है, आप सोच सकते हैं उस माँ बाप के लिए कैसा लगता होगा उसको। आज यहाँ 2 लाख रुपए खर्च करके कैसे माँ बाप भेजते हैं, मुझे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने भेजा तो मुझे पता है कि कितनी मुश्किल से माँ बाप बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उसके बाद यहाँ ऐसी मौत हो जाती है और दिल्ली प्रशासन कुछ नहीं करता है। और जो कोचिंग माफिया है वो निरंतर ये काम करते हैं, बच्चों को लूटते हैं। बात कोचिंग की नहीं है, यहाँ लूट रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप अगर रेंट देखेंगे तो यहाँ 15,000 से कमरा शुरू होता है, माचिस की डिब्बी बराबर कमरा है। आप बताइए जहाँ बेसिक मिनिमम मतलब बच्चों को प्रॉपर लूटा जा रहा है। आज जब ये मुद्दा खड़ा हुआ है तो ये सिर्फ इस बात पे खत्म नहीं होना चाहिए। एक भी ओनर यहाँ नहीं है और एक भी कोचिंग माफिया यहाँ नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भी दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है सबने कवर किया होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे हर कोई मिल करके, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो कोचिंग वाले हो, ऐसा ही को सिस्टम है, सब मिलके बच्चों को ही खा रहे हैं। कोई भी ओनर ब्रोकर कोई भी, इस चीज का तो मैं खुद भी मतलब काफी कह सकते हैं कि विक्टिम हूँ। ऑनर्स ज़्यादा प्रेशर करते हैं, ऑल दो अभी भी मतलब मुझे कल ही इंसिडेंट हुआ कि गाड़ी के चक्कर में इतना ज़्यादा फालतू सुनाया, खाली करो रूम, कोई नहीं तुरंत खाली करो, उनके जुबान पे है खाली करो रूम। अब तुम एक नया रूम लोगे तो तुम्हारा 50,000 का खर्चा है मिनिमम। ओनर्स को नहीं, हम रूम शिफ्ट करेंगे, हमारा टाइम जाएगा, रिसोर्सेज जाएंगे ढूंढने में, दोबारा ब्रोकरेज जाएगी और जब हम खाली करेंगे वो सिक्योरिटी तुरंत नहीं देंगे, कभी नहीं मिलेगी। तुमने ये बाथरूम ये तोड़ दिया, तुमने ये पेंट गंदा कर दिया, ये सब करके तुम्हारी ब्रोकरेज खत्म कर देंगे, ये सिक्योरिटी खत्म कर देंगे। ये ब्रोकर माफिया के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक नहीं होगा ना, यहाँ पे ऐसे ही लोग हैरेस होते रहेंगे, प्रॉब्लम होती रहेगी। ब्रोकरेज तो बाद में होगा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाफ हो जाएगा। ये कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर पास हुआ एमसीडी के तहत ही हुआ, अभी 7 महीने पहले किसी ने, इतना नया बिल्डिंग के अंदर अगर बैग मार रहा है कोई गार्बेज, ये सब कोई छोटा मोटा बात नहीं है सर। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। न्यूज आई है, किशोर शर्मा एक लड़का है, उसने 5 दिन पहले एक वो डाला था अपना, मतलब आरटीआई डाली थी कि मेरी कोचिंग में जो है वो फ्लड हो रहा है, दोबारा से वो आ रहा है, इसी इसके किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या हुआ 3 दिन बाद 3 बच्चे ऑब्वियसली जो बेस लग रहे थे वो खत्म हो गए। ये कोचिंग वालों को पता भी होता है लेकिन एक्शन हल्के में ले लेते हैं। 3 लाख रुपए फीस लेने के बाद हमें एमसीडी वालों का भी उतना ही बड़ा दिक्कत है जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमें कोचिंग हमें एथिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें आईएएस बना रहे हैं, हमारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, सारे पैसे क्या कर देते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ सम्मिलित होकर के दोनों मिलकर के ये करप्शन करते हैं। ये सिर्फ कोचिंग वाले के नहीं, यहाँ के लैंडलॉर्ड का भी वही हाल है। यहाँ का जो पार्षद है, यहाँ से 100 मीटर दूर नवीन चावला और आरती चावला पार्षद यहाँ गोल चक्कर अग्रवाल पे बैठते हैं, कभी आके उन्होंने नहीं देखा कितना वाटर लॉगिंग हो रही है, उन्हें भी देखना चाहिए था एक बार, तो उन्हें नहीं पता कि उनके यहाँ के लोग भी मारे जाएंगे। कोई अगर कोई गार्ड मारा जाता तो उनके यहाँ का होता ऑब्वियसली, अगर बिल्डिंग कल को गिर जाती तो यहाँ पे नॉर्मल इंसान के ऊपर भी उनके यहाँ के भी लोग हो सकते थे। हम तो बाहर से आए, पैन इंडिया से आए, हमारे वोट्स नहीं है, उनके तो वोट्स हैं। कोई तो सुनो शैली ओबराय यहाँ की मेयर है, शादीपुर में रहती है, कोई तो सुन लो, कोई नहीं सुनेगा। नियरेस्ट में इतने लोग हो सकते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है, तो सोचिए जहाँ दूर है वहाँ क्या है। जी बिल्कुल, आप इतने रिहायशी इलाके में हो। कल मैं बताता हूँ, मैं 4 बजे तक इधर था, 3:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, मतलब 7 बजे से 4:30 बजे तक। सुनिए,
इंडिया की कैपिटल है ये, आपके पास इतने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कि आप दो घंटे पानी निकाल लें, उतनी सी लाइब्रेरी के पानी निकालने में आपको छह घंटे लग गए भाई, आठ से नौ घंटे लगे। मैं किसान का लड़का हूँ, दो घंटे में खाली कर देता हूँ। आपके पास सेकंडों में होता है, सेकंडों में होता है, दस मिनट का ऑनलाइन नहीं चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए, कैश में चाहिए, कैश में पूरी पेटीएम से जाके निकालना पड़ता है हमें, फीस नहीं लेते वो। आप पूरी ये समझ लीजिए, पूरे यहाँ पे हर एक की अगर मैं इंस्टॉलमेंट में बीस दूंगा तो 18% में जीएसटी दूंगा, ब्याज दूंगा उसके ऊपर। कहाँ से कैसे आता है कोई मतलब नहीं, बस पैसे चाहिए, बस एनी हाउ। हमारे जो जितनी भी लोग हैं, यू आर दी ओनली वॉइस जो ट्रूथ दिखाएगी, जो भी मीडिया है काटेगी। मैं जानता हूँ जो भी जो मतलब जैसा है वैसा दिखा, जो बीजेपी की मीडिया है वो बीजेपी, मैं केजरीवाल को बोलूंगा मुझे दिखा देगी, ठीक है। जो अदर मीडिया है वो मैं बीजेपी को बोलूंगा मुझे दिखा देगी, बट यू आर दी ओनली वन। मतलब हमें तो इंटरेस्ट है, आओ नीत करो नीत वही राजनीति। तब सबसे पहले ये स्टूडेंट इनका चैनल है, सबसे पहले इंटरव्यू यूपीएससी के सर्विस से बना हुआ है, जिसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको सील किया जाए उसी टाइम इंस्टेंट, बिल्कुल उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होना चाहिए। एक इंसिडेंट तुम्हारे सामने हो गया मुखर्जी नगर में, हो गया दूसरा हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया, सबक नहीं लिया। मुद्दा ये नहीं बचा कि क्या हुआ, ये तो भैया बहुत ही हैरानी की बात है। लोग तो भैया इतने दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, रेंट का अलग से किराया देते हैं, ब्रोकर अलग से देते हैं, सिक्योरिटी अलग से देते हैं, ऊपर से पानी का अलग से देते हैं, ऊपर से बिजली का अलग से देते हैं, ऊपर से लाइब्रेरी का अलग से देते हैं, छोड़ना भी पड़ता है ये लोग। और ऊपर से देता है ये देखने को मिलता है, कभी पटेल नगर में देखने को मिलता है। अगर तुम ओआरएन में रहना चाहते हो तो तुम्हें पहले मंथ 50,000 कम से कम खर्च करने पड़ेंगे पहली बार में। एक चीज और ये है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि भैया आप बोलते हैं कि भाई दिल्ली में जनता ज्यादा है तो हम लोग नाला साफ नहीं कर पा रहे, भाई पानी हर जगह बराबर करता है, जनता ज्यादा है ना, हम पॉपुलेशन ज्यादा है ना, पानी तो यहाँ उतना ही गिराएगा ना, आपके नाले इतने नहीं है कि आप पानी 6:30 बजे सबसे कम गिराता है, डेढ़ घंटे पानी नहीं गिरता था, ये पूरी रोड 6:30 बजे जो बारिश हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, बेसिक फैसिलिटी नहीं दे रहे, इंसिडेंट हुआ है यहाँ, पानी बारिश ज्यादा नहीं हुई है, ये मेंस की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, एक्सीडेंट इज हैपन। ऊपर से तो भैया सरकार को अपना सोच, ऊपर से सरकार को अपना सोच बदलना चाहिए कि यहाँ पर लोगों जनता के लिए मतलब वेलफेयर के लिए वो लोग वादा करते हैं, वो लोग सारा खुद का अपना वेलफेयर। मुझे लग रहा है कि एक स्टूडेंट्स का भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे, जो ऑर्गेनाइजेशन मैं ड्यू से पढ़ा हुआ हूं, मैंने विजय नगर में आपको आपको प्रेसिडेंट बनाएंगे, मैं पीजीडीएबी कॉलेज से सेक्रेटरी रहा हूं, ठीक है, बट मैंने वहां ऑर्गेनाइजेशन बनाया, डिमांड शुड रीच टू केजरीवाल, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आंसर बताऊं एक बात बताऊं, क्या होता है वहां भी विजय नगर में, तुम्हें पता है विजय नगर कमला नगर में, ठीक है, मैं तुम्हें पता है मैं वहां सेक्रेटरी रहा हूं, ठीक है, वहां कई साल हमने प्रदर्शन करे, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जे एन यू नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन करी है यहाँ से, ड्यू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मैं इधर ही रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मैं 5 साल मैंने इधर ही करा है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ ड्यू में, क्यों, क्योंकि हमारे वोट ही नहीं है, मेरे वोट क्लासेस वालों ने तो सीधा छुट्टी दे दिया 4 दिन का, बेसमेंट में क्लास है, एड्रेस अभी अभी दृष्टि आई है, सबको कहता है तजुर्बा होगा, दृष्टि आई इसके मैसेज दिखाऊंगा मैं लाइब्रेरी के मेंटरशिप के, उन्होंने बोल दिया है कि अनअवॉइडेबल जो सर्कमस्टेंसेस है उसकी वजह से हमने अपनी लाइब्रेरी का कभी तक की मतलब कोई डेट नहीं दी, छुट्टी कर दी, मतलब क्यों? एक साथ भी आओ टीवी पे, आओ ललन टॉप पे, आओ एक्सप्लेन करो, क्यों नहीं कर रहे हो ऊपर, क्यों नहीं कर रहे हो, करो एक्सप्लेन, बताओ ना कि तुमने रामायण कर दी, तुमने सब कर दिया, अब करो। विकास दिव्यकृति क्या कहते हैं कि सबको एक बार जिंदगी में यूपीएससी कोचिंग करनी चाहिए, अपने बच्चे को कराओ, पैसे दो भरो तुम बर्बाद हो, बैठाओ लाइब्रेरी में अपने बच्चे को, ऊपर से यहाँ पे तो विकास दिव्यकृति फरो या अवध ओदा फरो या और भी कोई बहुत सारे बेंच स्ट्रॉम टीचर होते हैं, इनका काम होता है लोगों का बेंच स्ट्रॉम करना और लोगों को लूट ले काम करना, और वाले मनोज शर्मा जी को बुलाओ, बोले कि आओ बैठो और जब यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बारी आती है तो वो साले यहाँ पर आके खड़े क्यों नहीं होते, सारे चोर कहीं के एक नंबर के, बिल्कुल ओके, धन्यवाद सभी का, ये पूरा वीडियो जाएगा देखना, बिल्कुल ऐसे कैसे, अरे कोचिंग ऑनर जैसे चोरों को यहाँ पर आना चाहिए, आते क्यों नहीं है, खासकर अवध ओझा जो साला आपने आपको बहुत बड़ा मतलब टीचर समझता है, एक लास्ट लाइन बोल दो, बड़े चैनल जो है जो काट देते हैं, दिखाना कभी खत्म नहीं होगा, ये नेक्सस तो है, हमें तोड़ना पड़ेगा नहीं तो खत्म नहीं होगा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जो बच्चे बाहर से आए हैं पहली बार कोचिंग करने आए, वो नहीं आएंगे सामने, जो हम दिल्ली से रह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, पहले पुराने से रह रहे हैं, हम सामने आएंगे, हम यहाँ खड़े होंगे, जो लड़के पुराने से रह रहे हैं वो खड़े होंगे, आप एक बार आएंगे, ऊपर सरकार को अपनी सोच बदलनी चाहिए, पहली बात तो यही है, बदलती क्यों नहीं अपनी सोच। ओके अभी हमारे साथ ये भी एस्पिरेंट है, काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रहा था कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, तो आप एग्जैक्टली बताएं, पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हो, क्या नाम? मेरा नाम आरजू खल्फे है,
महाराष्ट्र से हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। जो एस्पायरेंट्स यहाँ पे आज मौजूद है वो जानते हैं कि ये हमारा सिर्फ एक दिन का दुख नहीं है, एस्पायरेंट्स हर रोज, कभी ब्रोकर, कभी ओनर, कभी कोचिंग माफिया, हर लोग, हर एक इंसान हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। हमारी मजबूरियाँ होती है, कहीं कई बच्चे गाँव से आते हैं इसलिए यहाँ पे उन्हें रहना पड़ता है दो साल। कल यहाँ मैं जब बाजीराम में थी, हमेशा यहाँ पे पानी भरता है, इट इज़ अ नॉर्म ऑफ दिस एरिया, यहाँ पे पानी भरता है। अगर राउस को ये पता था कि यहाँ पानी भरता है, उनको पता है कि उनके पास लाइब्रेरी है नीचे, तो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि पहले ही वो लाइब्रेरी बंद कर दी जाए। पुलिस कल आने में इतना देर कर दी, पुलिस आने के बाद भी हमें अभी तक बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। सर जहाँ कल जितने बच्चे यहाँ से हैं, शाम से हम यहाँ पे हैं, हम बता सकते हैं कि 7 से ज्यादा एम्बुलेंसेस गए। एम्बुलेंस है ना, जो ऊपर बिल्डिंग में एक लेडी रहती है, उन्होंने बताया कि उनके पीछे से कई बार एम्बुलेंस लेके गई है। उन्होंने कल वो नीचे खड़ी हुई थी, जो मतलब पिंक कलर के ड्रेस में खड़ी हुई थी, वो इधर खड़ी हुई थी, उन्होंने कई बार बताया कि पीछे एम्बुलेंस आई और कई बार लेके गई, 6 बार सामने से देखा, पीछे से कई बार लेके गई। इस सब का रेजोल्यूशन एक है, पहली चीज, दो चीजें पुलिस को करनी चाहिए। पहली चीज, हमें सीसीटीवी के फुटेज दो, पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दो कि सीसीटीवी में आखिर हुआ क्या था। अगर आपने डेड बॉडीज 3 निकाली भले ही, और हमें बताओ कि कितने निकाले। दूसरी चीज, पब्लिक डोमेन में ये पब्लिश कर दो कि कितने बच्चे अंदर थे जो आज जिंदा है, तो ताकि हम उनसे कोरोबरेट कर सके कि सच्ची में हुआ क्या हुआ। एग्जैक्टली राइट, यस। अगर हम ये, अगर वो एक ही बंदा आके बताए कि उसके पीछे 3 लोग थे, और ऐसे कितने बच्चे होंगे जो वापस बाहर आ ही नहीं पाए, और ना ही जो बाहर थे वो हम अंदर जाने किसी को नहीं दिया गया, बैरिकेड ऐसे रखा गया। उल्टा कल पुलिस बदतमीजी कर रही थी कि और नारे लगाओ। ये हमारा कल से हमारा तमाशा देखते बैठे। हमारी यही बिनती है, 2 चीजें है, अगर आप सच बोल रहे हो ना, हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे हो, सीसीटीवी की फुटेज जारी करवाओ, पब्लिश द नेम ऑफ पीपल हु आर इंजर्ड, जो हमें सच बता सके, जिनके फैमिलीज हमें सच बता सके, क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, ये हमारे साथ हमेशा होता है। कभी ब्रोकर हमें लूटते हैं, कभी ओनर हमें लूटते हैं, कभी कोचिंग माफिया हमें लूटती है, बच्चे यहाँ रोज मजबूर हो। एब्सोल्यूट नेक्सस। सो अभी आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे स्टूडेंट्स को लेकर? पहली चीज, जितने भी आप बिल्डिंग्स है ORN में, उसका इंस्पेक्शन कराओ, और उसका इंस्पेक्शन पब्लिक डोमेन में पब्लिश करो, ताकि सिविल सोसाइटीज भी देख सके कि अब सिर्फ वो क्या रहा है। दूसरी चीज, रेंट कंट्रोल लेके आओ ORN में, यहाँ के रेंट, यहाँ का रेंट, अगर यहाँ पे आप रहना चाहो तो कोई भी गरीब बाप का इंसान यहाँ पे रह ही नहीं सकता। इसीलिए आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने, आज सुबह से कोई लीडर नहीं आया हमारे पास, सुबह से जितने लोग आए उन्होंने फोटो निकाले और चले गए। अगर यही कोई MP MLA का बच्चा होता तो क्या यही बर्ताव करती गवर्नमेंट हमारे साथ? नहीं करते, बिल्कुल, डेफिनेटली। ऊपर से भैया ये हैरानी की बात है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर हम लोग, मतलब भारत के लोग, फिर हम लोग यहाँ पर बात ही फ्री नहीं जा रही, पहली बात तो यही है। ऊपर इट्स नॉट अ न्यू नॉर्मल, सो इट इज बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल, दैट वाटर लॉगिंग इज अ वेरी मेजर इशू हियर इन, पर्टिकुलरली इन ORN प्लेस। इफ यू गो टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, 2 to 3 days पहले देखा कि वीडियोस काफी वायरल हो रहे थे, पानी भरा हुआ था, इवन गाड़ी इसी रोड पे तैर रही थी। अब साथ में कुछ, द पॉइंट इज दैट इट्स बीन रेनिंग फॉर 3-4 days, MCD शुड हैव टेकन सम एक्शन बिफोर देन दैट। व्हाई इट्स आफ्टर दैट दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स हैव डाइड, दे आर नॉट इवन डूइंग अ smaller thing, you know, so it's very important to take cognizance on these very issues, and we are not individuals, right? We are as a society, we have to think about our students who are doing competition, or like why we are here. We are not here for fun, or like we are here for competitive exams, okay? So very basic necessities are very important to be here. So that's why I want to say that MCD should come and do those regular checks, that how corruption comes into our society. Absolutely. And it has percolated in the very basic structure of our society, okay? So how the libraries are open, which are not libraries at all, they are reading rooms, okay? So reading rooms are open in the very basement area. Single problem नहीं है, girls की security के बारे में पूछ सकते हो आप, ये girls खड़ी हुई हैं, इनकी security रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, girls की security के बारे में बता सकते हो, कैसे मतलब bikes घूमती हैं, कैसे cars घूमती हैं, यहाँ के तो car इतनी speed में घूमती हैं, बहुत तेज़, तो यहाँ के locals हैं वो कैसे मतलब यहाँ exploitation करते हैं। जी, ये
बेसमेंट में लाइब्रेरी रखी गई और ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने कार पार्किंग बना रखी है, तो दिस कार और गाड़ी इतना इम्पोर्टेंट है इंसान के सामने। अरे इस साइड आ गया। फाइनल डिमांड, फर्स्ट डिमांड ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एनसीडी, हम इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कोचिंग लेगा, एनसीडी लेगा या गवर्नमेंट लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। दूसरी चीज, ये जब मुद्दा बन गया है तो फुल ऑडिट होना चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये सही कराओ कि कोई भी बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं चलेगी। लाइब्रेरी बेसमेंट में होती है, एक सिर्फ दरवाजा होता है बाहर निकलने के लिए, ये किसी भी लाइब्रेरी में हो सकता था, ये हम किसी भी इंसान के साथ हो सकता था। तीसरी चीज, सबसे अहम चीज, हमें ट्रुथ का बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें क्लैरिटी दो कि कितनी लोगों की जाने गई, हमें उन लोगों का नाम चाहिए। एग्जैक्टली, जो सब आई विटनेस बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जो पुलिस रिपोर्ट आ रही है वो पूरी गलत बोल रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि सच में हुआ क्या था, सीसीटीवी प्रूफ दो और हमें उन लोगों के नाम जाहिर करो जो वहाँ पे जिंदा थे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। काफ़ी टाइम से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑल्दो अगर देखा जाए तो कल रात से ही हो रहा है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जो कोचिंग माफिया हैं या कोचिंग वाले हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट भी है, ऑल्दो सभी का हक है प्रोटेस्ट करना, इनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे पानी की या फूड की जो कि रिफ्रेशमेंट दिया जाना चाहिए, सो दैट कि वो अपनी मांगे सामने रख सके। ऑल्दो ये देखा गया कि पुलिस उठा के भाग रहे हैं, जब देखा जाए तो प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, और उस रोड पे हो रहा है जहाँ पर कि कोचिंग वाले बच्चे ही आना जाना करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि इधर से कोई मार्केट की पब्लिक जाती हो जिससे कि कोई दिल्ली का मार्केट या बाजार में कोई प्रॉब्लम हो। राइट सर, अभी तक सबसे प्रोटेस्ट है, सुबह 11 बजे से प्रोटेस्ट की बात चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, पर अभी तक हमारे पास एक भी इंसान नहीं आया है जो अधिकारी, कोई ऑफिशियल बंदा हमारे पास नहीं आया जो हमसे हमारी परेशानियों को पूछे। पैसा लेते समय सभी लोग आते हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स अपने अपने काउंसिलर्स को बिठा के रखते हैं, अपने अपने आदमियों को बिठा के रखते हैं, मैनेजमेंट लेवल को बिठा के रखते हैं, पर यहाँ पर डेडलाइन सेट करके रखते हैं, पर यहाँ पर कोई भी इंसान जब से प्रोटेस्ट हो रहा है एक भी कोचिंग की तरफ से नहीं आया है। कुछ आकर बात करे, जो स्टूडेंट से आके बात करे कि क्या मुद्दा है, क्या चाहिए, क्या डिमांड्स है, हम तभी से 5 बजे कोई प्रेस नोट रिलीज हुआ है ना, कंपनसेशन का कुछ बात हुआ है, वो रेंट सीलिंग का यहाँ पे आपको पता ही है, ब्रोकरेज का इधर चलता है, कोचिंग मार्केट, हाँ वो तो है, आपको पता ही है, और आप गली में देखेंगे तो अभी भी ऐसे तार है जो आपको करंट दे सकती है। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद जो कि पानी के वजह से ही हुई है, पानी था, अर्थिंग पकड़ा, करंट लग गया, और तार की भी ऑब्वियसली तार तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग वालों ने कुछ नहीं किया, ये बड़ी क्या गलती है सर, हम लोग तो यहाँ पढ़ने आते हैं, जान गंवाने थोड़ी आते हैं सर, लाइब्रेरी और ऐसा नहीं है, ये कोचिंग की बात है, ऑलमोस्ट सभी कोचिंग नहीं होता है, लाइब्रेरी का कोई भी गाइडलाइन अगर आता है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, दो एग्जिट का गाइडलाइन है नहीं फॉलो किया गया, पिछले साल मुखर्जी नगर में घटना हुई थी, उसके बाद उस मैटर को दबा दिया गया, उसके बाद पटेल नगर में हुआ, वहाँ कुछ इंक्वायरी नहीं हुआ, वहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई भी ऑफिशियल नहीं आया यहाँ जो बोल रहे भाई, यार हम लोग तो यार इतना देर से यहाँ मेहनत करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, मतलब अपने खून चलाते हैं पढ़ाई करने के चक्कर में, अभी तो इन लोगों का दिल पिघल जाना चाहिए, सर ये चोर लोग साले मतलब अभी तक पिघला क्यों नहीं है, यार हम लोग मतलब दिन रात प्रोटेस्ट करें और ये लोग साले मतलब मस्ती करें, मतलब साले कहाँ से आए सर सरकार, ये लोग कोचिंग अभी यही प्रॉब्लम है, पानी निकालो मेन, मतलब उनकी क्या गलती थी, वो सिर्फ पढ़ रहे थे, वो एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़े उनकी गलती नहीं है, और अपनी इंडिया में इतने क्राइम्स होते हैं, सबको पनिशमेंट नहीं मिलती है, पर उनको क्या गलती थी उनकी, बस पढ़ रहे थे बेचारे, और पढ़ते टाइम उनका ऐसा अच्छा हुआ ये सुनने में मिलता है तो शर्म आती है उनके बारे में, और कितने सालों से दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा है वाटर लॉगिंग का, एक बार भी इसका सोल्यूशन नहीं निकला, अभी तक तो निकल जाना चाहिए सोल्यूशन, कितने ऐसे लोगों की मौत होंगी जब सोल्यूशन निकलेगा। राइट राइट, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये मार्च ऐसे ही चलेगा, पीसफुल बिल्कुल कंटिन्यू पीसफुल तरीके से, इस बार तक नहीं पता है कितने लोग का एक्चुअल डेथ हुआ, एक्चुअली इसका रिस्पांसिबल है उनको आना चाहिए, डाटा बताना चाहिए कि एग्जैक्ट कितने लोग अंदर में थे, सीसीटीवी फुटेज निकालना चाहिए और बताना चाहिए कि एग्जैक्ट डेथ कितने की, प्रॉपर कैजुअलिटीज भी नहीं बता रहे लोग, प्रॉब्लम वो है, अभी बोल रहे दो फिर एक नंबर वो आउट किया, तीन नहीं कर रहे, हमारा राइट है सर, ये हमारा राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है,
हमको जानना है कि कितने लोग और अभी अंदर फंसे हुए थे, कितने लोग को निकाल दिया, सच में कितना डेथ हुआ है ये भी नहीं पता है। जब तक हम लोग को ये नहीं पता चले कितना डेथ हुआ है, फिर सारा डिमांड तो फिर से फालतू हो जाएगा ना सर जी। कोई भी नहीं आया। माफिया का मतलब यही होता है। आज कोचिंग वालों ने नहीं आकर सिद्ध कर दिया कि ये कोचिंग माफिया है। आते स्टूडेंट्स के साथ बैठते बात करते ओके। एक जो फॉरमोस्ट डिमांड जो ये है कि जो भी बच्चों की मौत हुई है पहले तो इसकी सीसीटीवी की जो भी फुटेज है उसको रिलीज करें पब्लिक डोमेन में, और दूसरी जो सबसे प्रमुख मांग है कि जितने भी बच्चे का मौत हुआ है वो सबके घर पे एक सरकारी नौकरी जरूर दे। ये बहुत फॉरमोस्ट ये जरूरत है क्योंकि वो किस चीज की तैयारी कर रहे थे, वो सरकारी नौकरी के लिए और अपने घर वालों का सपने को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, वो घर के सब उनका क्या, जिसके घर का चिराग बुझा है, वो घर जिसकी बेटियां मरी हैं उनका क्या, उनको कौन कंपेंसेट करेगा, पैसे से कैसे कंपेंसेट करोगे? बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात बोली है। उनको नौकरी जरूरी है, सरकारी नौकरी जरूरी है, वो भी मिनिमम ग्रेड बी की नौकरी जरूरी है। मिनिमम ग्रेड बी की, आई एम सेइंग मिनिमम ग्रेड बी की नौकरी उनको देना पड़ेगा, सरकार को देना चाहिए। और साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको कंपेंसेट, इमीडिएट कंपेंसेशन देना चाहिए। ये एकदम फॉरमोस्ट हमारा डिमांड है और ये डिमांड हमारा हमेशा हमेशा आगे भी बना रहेगा, और हम सबसे अपील करते हैं कि इस डिमांड के साथ आगे बढ़े। जी बिल्कुल। और जितनी भी पूरी ORN में जितनी भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज है, जितनी भी अंडरग्राउंड क्लासेस चल रही है, वो सब इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, उन पे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल उन पे जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। और दूसरी बात, जो बिल्डिंग बने हैं, बिल्डिंग में भी बहुत सारे बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोसेस अच्छे से नहीं है। आज ये फ्लड का प्रोसेस, वो ट्रेजेडी हुई है, कल फायर का ट्रेजेडी होता है, पास्ट में हुआ है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, सारे बिल्डिंग की जांच होनी चाहिए कि क्या फायर, कल अगर फायर हो जाए, फायर लग जाए पूरे बिल्डिंग में, तो इसके लिए क्या उनके प्रावधान है, क्या उन्होंने बिल्डिंग कोड फॉलो किया है नहीं किया है, इस पे सब पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अभी इमीडिएट जो रिस्पांस है वो ये होनी चाहिए कि पहले सबसे पहले कोचिंग वाले कंपेंसेट करें, साथ में सरकार उनको ये प्रावधान करे कि हमें सरकारी नौकरी, उन सबके जो भी मृतक हैं उनके घर पे हम एक एक सरकारी नौकरी देंगे और ग्रेड बी की एटलीस्ट देंगे, ये उनको प्रावधान करना जरूरी है जी। जब इस देश में इलेक्शंस होते हैं, जब एक ऑर्डिनरी पर्सन की वोट की वैल्यू, एक नेता की वोट की वैल्यू बराबर है, तो जब हम एस्पिरेंट्स को अगर कुछ होता है तो उसकी क्या, उसकी मौत की वैल्यू कौन लेगा? मतलब अगर एक नेता मरता है तो उसकी तो, हाँ भाई एक नेता मर गया है, लेकिन एक एस्पिरेंट, एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर उसकी मौत हुई है तो वो मौत बहुत नहीं होती क्या? हम कुछ नहीं है, एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक एस्पिरेंट्स कुछ नहीं है, हमारी मौत की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सरकार इस पर बिल्कुल कुछ एक्शन करे।